अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग्स। एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ। आज मैं वीडियो छत से स्टार्ट कर रहा हूँ अपने क्यूटी पाई लोग के साथ। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आज जैसे ही छत पे आया, आज संडे था, गर्मी आपको भी पता है कितना जल्दी धूप हो जा रहा है, धूप होने के बाद मौसम कितना ख़राब हो जा रहा है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले छत पर आ गया। छत पे आने के बाद, क्योंकि थर्ड फ्लोर का काम पेंडिंग था तो आज मैं वो करने वाला हूँ, तो आने के बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं इन लोगों को खोल देते हैं। वहाँ हाला टहल रही है, यहाँ सूजी है अपने बेबी के पास, और इधर मैक्स है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले इन लोगों को खोल दिया है और बेबी को भी ला के बाहर रख दिया। रीज़न ये है कि ये लोग थोड़ा फ्रेश एयर ले लेंगे, उससे क्या होता है कि ताज़गी बनी रहती है दिन भर की। रूम में पंखा जल रहा है, बट क्या है ना कि कितना भी कुछ हो लेकिन रूम में गर्म हवा है। इस वजह से मैं छत पे आके इन लोगों को खोल दिया है। अब चलते हैं छत पे, जो पेंडिंग काम है उसको निपटाने के लिए। इन लोगों को छोड़ के आ गया हूँ छत पे, झाड़ू वाड़ू लेके। अब करना क्या है, पहले पूरे छत की करनी है सफाई। सफाई करने के बाद किसी और काम को हाथ लगाना, सबसे पहले झाड़ू देना है, झाड़ू देने के बाद ही कुछ करना है। तो चलिए अब लगते हैं झाड़ू देने में, उसके बाद देखा जाएगा, वक्त मिलेगा तो कोई और काम किया जाएगा। अदरवाइज़ सबसे पहला काम आज अपना फोकस है झाड़ू देना, पूरा को क्लीन करना। तो चलिए देते हैं झाड़ू। तो फाइनली जंगल से छत का सफ़र आज कंप्लीट कर लिया मैंने। आप देख सकते हैं छत को पूरी तरीके से झाड़ू वाड़ू दे के, जो भी कचरा जहाँ भी था सबको एक जगह पर रख के, यहाँ पर ये सारा वेस्टेज है जिसको मैं गमले में लगाऊंगा, जब गमला में नया पेड़ लगाऊंगा उसके लिए ये यूज़ होगा। बाकी सारे जो जो मिट्टी निकले, कुछ मिट्टी निकले तो उसमें डाल दिए, कुछ इसमें, कुछ उसमें, और बाकी उसमें डाल दिया। तो पूरी तरीके से यहाँ पर कुछ रड, कुछ लकड़ियाँ रखी थी उसको भी मैंने हटा दिया। इस तरफ भी पूरी तरीके से साफ़ कर लिया, आप देख सकते हैं। तो पूरी तरीके से आज मेरा छत का काम कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं, धूप भी हो गई है, देख सकते हैं। और टाइमिंग आप देखोगे तो टाइमिंग अभी कितना बज रहा है, आप देख सकते हैं, अभी 7 ही बज रहा है, 7 बजे ही धूप आ गई है। मैंने आप लोगों को कल कहा था कि अगर पानी पेड़ में अगर आप वाटरिंग कर रहे हैं तो 8 बजे से पहले करें, तो अभी 7 बज रहा है। तो चलिए पहले सारे प्लांट्स में पानी कुछ प्लांट्स में मैंने डाल दिए है, और कुछ में मैं और डाल देता हूँ ताकि जिसकी जो ज़रूरत हो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो चलिए ये काम करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे नीचे वाले फ्लोर पर। बिल्ली की बच्चे सब खुली हुई है तो उसको भी बंद करना है, उन लोगों को देखना है, बिल्लियों को खाना देना है। कल रात में मैंने खाना नहीं दिया था। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। मैं जैसे ही नीचे आया, आप देख सकते हैं इसमें मैंने तीनों को बैठा के गया था। अभी देखिए इसमें 2 है, एक गायब है। तो चलिए पहले उसको खोजते हैं वो किधर है, क्योंकि वो बहुत ही बदमाश है, कहीं ना कहीं घुस गई होगी। ये देखिए, ये देख सकते हैं कहाँ घुसी हुई है। देखिए कैसे चिल्ला रही है, उसको डर लग रहा है खुद कि हम कहाँ आ गए। तो चलिए उसको निकालते हैं पहले। आ जाओ, देखिए बहुत ही बदमाश है। तो चलिए छत पे तो आ गए हैं, ये नीचे आ गए हैं। अब पहले मैट बिछा के इन लोगों को थोड़ा यहाँ पर खुला छोड़ देंगे, थोड़ा टहलेंगे उन लोग भी। चलिए तो चलते हैं, पहले इन लोगों को बैठाते हैं मैट पे। आज मैं घर पर ही था, प्लांट लाने के लिए जाना तो था, ग्रीन नेट लाने के लिए, बट लाना था प्लांट भी मुझे, ये 9 बजिया लाना था, बट आज घर पे ही थे तो आ गए प्लांट वाले, जिनसे मैं हमेशा प्लांट लेता हूँ, उनको बोला हुआ था तो उन्होंने आज ला के दिया है। 3 कलर की ये 9 बजिया ला के दिया है, प्लस ये एक प्लांट ला के दिया है जिसको कहा उन्होंने लव,
लव फ्लावर कह के दिया है, पता नहीं ये कौन सा बोले, रेड कलर का होगा। और ये चांदनी है, इसका प्लांट मैंने काफ़ी दिन से उनको कहा हुआ था कि ला के दे दीजिएगा, तो आज उन्होंने ला के दिया है। चांदनी नहीं, ये रजनीगंधा है, सॉरी, ये रजनीगंधा का प्लांट है, उन्होंने आज ला के दिया है। ग्राफ्टेड है, देख सकते हैं आप, यहाँ से ये ग्राफ्ट किया हुआ है, तो ये ग्राफ्टेड प्लांट है। यहाँ देखिए, ये ग्राफ्टिंग हुआ हुआ है, ये बीज वाला है, बट इसमें भी कली लगा हुआ, आप देखते हैं, ये सारा भी कली लगा हुआ है। तो ये आज मैंने लिया है, इन सबको तो हैंगिंग बास्केट में डाल देंगे, क्योंकि ये और ये तीनों मेरा हैंगिंग बास्केट खाली ही हो गया है, तो उसी में ये तीनों को डाल देंगे। प्लस इन लोगों को मिट्टी के गमला में अभी लगाएंगे, मिट्टी का गमला मेरे पास बचा हुआ है, तो इन लोगों को भी उसी में लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आज इस रूम का मैं कवर करना है, यहाँ स्टिकर लगा हुआ था जिसको मैंने उखाड़ दिया है, यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह लिखा हुआ था, उसको मैंने उखाड़ा, तितली बनी चिड़िया थी उसे भी उखाड़ दिया है। पहले रूम झाड़ देते हैं, उसके बाद फिर इसको भी पेंट करना है। कन्फ्यूज़न ये है कि इसको पर्पल कलर करें या फिर पिंक कलर करें, इस वजह से ये काम रुका हुआ है, नहीं तो अभी एक बार कन्फर्म करते हैं, उसके बाद फिर ये इसको भी पेंट कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, रूम अभी फ़िलहाल कितना गंदा हो रहा है, तो इसको साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर पेंट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फाइनली ये रूम भी कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से, अब देख सकते हैं पहले का और अभी में कितना अंतर है। ये टीवी भी सब निकाल दिया था, लेकिन अभी इसको लगा दिया और पूरी तरीके से रूम को कर दिया है चकाचक। अब देख सकते हैं पेंट हो गया है, जहाँ छूटा हुआ था वहाँ भी सब जगह कर दिए हैं, अभी कहीं पर भी छूटा हुआ नहीं है। तो आज पूरा दिन इसी में निकल गया, कह के पूरा सिंगल हैंड से किया, खुद अकेले ही किया, इस वजह से काम ज़्यादा बढ़ गया था। रूम को साफ भी करना था, ऊपर का सारा सामान को हटा हटा के पेंट करना पड़ गया। ऊपर वाला रूम था वो खाली था, इस वजह से इजी में तुरंत हो गया था, बट इसको खाली करके करना पड़ गया, इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। तो आप देख सकते हैं ये था आज का मेरा रूम मेकओवर का। अब इसमें बहुत सारा चीज़, यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ था वो उखाड़ दिया है, तो वो भी लाना है, और भी देखते हैं और क्या क्या इसमें ज़रूरत, जो जाएंगे कल या परसों मार्केट जाएंगे, देखेंगे अगर कुछ समझ में आएगा तो लेके आएंगे, अदरवाइज नहीं तो फिर ऐसा ही रहेगा। अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है, अभी तक का अपडेट तो यही है, अब आगे देखा जाएगा क्या होगा इस रूम का और आगे का मेकओवर। आज सुबह से लेके अभी तक में ये पहला वीडियो है मिनी जू का, और इन लोग को देखिए, आया था इन लोगों को खोल के चला गया था, ये देखिए अभी इन लोगों का बदमाशी ऐसा कर रहा, लगता है कि हम कितना दिन के बाद आए, आते के साथ तीनों के तीनों पीछे पड़ गया। तो इन लोगों को खाना पीना दे दिया था सुबह में, उसके बाद फिर हम लग गए थे काम में, तो अभी चलते हैं, पहले इन लोगों को खाना पीना देते हैं, उसके बाद फिर आज जाना था मिनी ये बर्ड मार्केट डे, इसके लिए फीमेल लाने के लिए, बट नहीं जा पाए, वक्त ही नहीं मिला, वही काम करते करते बहुत लेट हो गया, पेंट करते करते इस वजह से नहीं जा पाए। तो चलिए अब फिलहाल पहले इन लोगों को खाना पानी दे देते हैं, पहले पानी पिला देते हैं उसके बाद खाना देंगे। इन लोगों का देखिए जब एकदम एक सेकंड भी नहीं छोड़ रहा, ये देखिए एकदम पीछे पड़ा हुआ। तो चलिए पहले चलते हैं, खाना पानी देते हैं, मोटर चल रहा है, फ्रेश पानी अभी मिल जाएगा, क्योंकि इन लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, पहले पानी दे देते हैं उसके बाद खाना देंगे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ा देर के बाद, पहले इसको पानी दे देते हैं उसके बाद। ये देख सकते हैं खाना पानी दे दिया है, वहाँ पर कुछ अनाज के टुकड़े गिरे हुए हैं, जो टर्की मेल खा रहा है, ये देखिए पानी पी रहा है ये, और यहाँ इन लोगों को देखिए, इन लोगों को भी खाना दे दिए हैं,
ये लोग खा रहे हैं। और एक बात और आपको दिखाना था, हम दो तीन दिन से नहीं दिखा पा रहे थे। अगर आप बकरी पालन करते हैं या कोई भी जानवर रख रहे हैं तो आपको जुगाड़ करना ज़रूर आना चाहिए। ये देखिए मैंने क्या किया है, ये ब्लॉक्स थे, मिनरल ब्लॉक्स, और ला के मंगवा के रखा हुआ था बहुत दिन से, लेकिन मैं इसे टांग नहीं पा रहा था, इसका जगह नहीं मिल पा रहा था। ये देखिए अभी मैंने क्या किया है, तार है, तार से मैंने ये जो बनाया हुआ है उसमें इसको बांध के लटका दिया। एक यहाँ है, एक यहाँ है, कैल्शियम है। तो ये तीन चार ब्लॉक्स थे मेरे पास जिसको मैंने इस तरीके से बांध के लटका दिया है, ताकि अपने हिसाब से ये लोग चाट लीक करते रहेंगे, चाटते रहेंगे, जिसकी ज़रूरत रहेगी ये लोग खुद से पूरा कर लेंगे। तो ये था मेरे मिनी जू का अपडेट। वहाँ मुर्गियों को भी मैंने पानी दे दिया, दाना दे दिया है। तो ये था मेरा अभी का अपडेट मिनी जू का। अब चलते हैं छत पे, क्योंकि कल मैंने सुबह में मैंने कुछ प्लांट्स लिए थे, उसको अगर मौका मिलेगा तो अभी लगा देते हैं, नहीं तो फिर मैं उसे कल शाम में लगाऊंगा। तो चलिए चलते हैं छत पे, देखते हैं क्या अपडेट है, उसके बाद आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देखिए ये बैठा है खाने के बर्तन में। तो आज एंडिंग यहीं से करेंगे, क्योंकि छत पे गए, लाइट नहीं था, इस वजह से मैं छत पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। तो सोचा कि अब आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ तो बोल रही है, तो सोचा क्यों नहीं इधर ही से बोल दें। तो इन लोगों ने अपना अपना खाना फिनिश कर लिया है सब कोई, और इन लोगों का बदमाशी अभी भी शुरू है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बदमाशी कर रहे हैं, और एक वहाँ पर खाने के बर्तन ही में सो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब्बा खैर।